my channel, it's your girl Shaya Sharma here. And guys, today we are gonna do like, today is our day 3 of our icing on a cake challenge. I mean, learning how to do icing on a cake. And first step we are gonna do is how to whip a whipping cream. क्योंकि मुझसे मेरी दीदी ने पूछा था प्यारी सी कि व्हिपिंग क्रीम तूने व्हिप कैसे करी थी. सो मैंने सोचा व्हाई नॉट कि मैं आप लोगों को भी बताऊं कि मैंने वो व्हिपिंग क्रीम कैसे व्हिप करी थी. एंड हमने वो व्हिपिंग क्रीम हाथों से व्हिप करी थी. एंड अब थोड़ी सी आदत हो गई तो बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया था. एंड मेरे को थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी मिल गई थी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से प्रोडक्ट अब यूज करूँ. गाइज मेरे को भी केक टिन लेना है, ठीक है, टिन लेना है. एंड मैंने अभी वो लिया नहीं है. मेरे पास एक्चुअली केक टिन पड़ा हुआ था, लेकिन वो पड़ा हुआ था तो उसके ऊपर जंक लग गया है. अब उसके ऊपर जंक लगा तो हम उसे यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो खराब हो गया है. एंड मैं बकवास बंद करती हूँ और हम सीधा अपना एक छोटा मोटा हॉल करते हैं. राइट, तो फर्स्ट थिंग वी हैव हियर इज टर्न टेबल. ये एंड गाइस ये सब सामान मैंने मीशो से मंगाया है वेरी सस्ते में क्योंकि हमारा बजट बहुत लो है. ठीक है, हम बजट के हिसाब से चलते हैं गाइस. तो मैंने जहाँ से सामान मंगाया था मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी. मैंने ये मशीन भी मंगाई थी और आराम से बोलो, मैंने ये मशीन भी मंगाई थी व्हिपिंग क्रीम व्हिप करने के लिए. इसके ऊपर लिखा है कि हम टॉपिंग्स व्हिप कर सकते हैं, बट नो वी कैन नॉट गाइज. ये मशीन काम नहीं करती है, आई मीन काम करती है लेकिन व्हिपिंग क्रीम वगैरह व्हिप करने में नो यूज. अगर आपको कॉफी बनानी है तो बना सकते हो, तो ये मत मंगाना. ठीक है, वेस्ट ऑफ मनी है, बट फॉर मी इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ मनी बिकॉज आई लव कॉफी गाइज. एंड देन वी हैव स्क्रेपर. हमारे पास एक चार है, चौथा कहाँ है? आई फॉरगॉट मैंने चौथा कहाँ रखा है. एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारी चीज है ये. आई गेस आई लॉस्ट, नो आई डिड नॉट. मैंने अभी तक सिर्फ ये साइड यूज करी है एंड एक ये वाला स्क्रेपर यूज किया है इस साइड से. इसके अलावा मैंने इन तीनों में से कोई स्क्रेपर यूज नहीं किया. इसके ऊपर कुछ ऐसा सा डिजाइन है एंड इस वाले के ऊपर कुछ ऐसा सा डिजाइन है एंड इस वाले के ऊपर कुछ ऐसा सा डिजाइन है. सो आई एम वेरी स्केप्टिकल कि इसका डिजाइन कैसा बनेगा. एंड स्पेशली दिस वन, मेरे को लग रहा है जो हम नॉर्मली केक्स के ऊपर डिजाइन देखते हैं ना, वो दो लेयर के बीच में गैप, वो वाला. हमारी वीडियो बन रही है और ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता. नाउ वी हैव दिस बिग स्पैचुला गाइस, आई मीन क्या बोलते थे इसे, आइसिंग करने के लिए केक की. लेकिन आई एम गोना सजेस्ट कि आप ये छोटे ही लो, बड़ा वाला आई डोंट थिंक सो कि इतना काम आता है जब तक आपके पास कोई बड़ा केक ना हो. छोटे केक पे इसे हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है. सो छोटा वाला इज द बेस्ट. एंड देन वी हैव आवर दीस गाइस. मेरे पास ऐसे में एक छोटा भी था लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने वो कहाँ रखा है. मैंने उसे खो दिया है. Me and my struggles, guys. मैं भूल जाती हूँ मैंने सामान कहाँ रखा है. एंड मेरे पास अभी ये दो भी हैं, ठीक है. अभी मेरे को इन्हें क्लीन भी करना है क्योंकि मैंने बॉक्सेस के अंदर रखे थे, तो यूज करने से पहले सबसे पहले इन्हें क्लीन करना है. मेकिंग का फर्स्ट स्टेप ऑलवेज टेक क्लीन. ये कुछ ऐसा सा दिखता है और ये एकदम प्लेन है, लेकिन इनके जो एजेस हैं बहुत ज्यादा शार्प है. मेरे को नहीं पता कि ऐसी शार्प होती है क्योंकि मैं पहली बार ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ, बट मेरे को याद है कि इनमें से किसी एक से मेरा हाथों पे वो थे कट्स के निशान थे. देन मैंने जला दिया था. मैं भूल गई थी, मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था. मैं उस टाइम कैरेमल बना रही थी एंड मैंने गलती से दूसरे स्पैचुला की जगह ये पकड़ा और मिक्स किया. देन मैंने देखा
कि ये जल चुका है। Then we have this brush, guys. ये ब्रश बहुत प्यारा है लेकिन ये थोड़ी सी इसकी शेपिंग खराब हो गई है, बट स्टिल ओके, आई एम ओके विद इट। मैं तो इंग्लिश काहे बोलती हूँ, मुझे समझ नहीं आता। हमारे पास पुट्टी करने के लिए गाइस, या आप इससे फेस की पुट्टी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इससे केक की पुट्टी होती है। एंड आई डोंट नो, मैंने इसे कभी यूज़ नहीं किया। आई गेस ये फॉन्डेंट के लिए, कि हम फॉन्डेंट लगाते हैं ना केक पे, उसे लगाने के लिए। तो फॉन्डेंट का कभी मैं यूज़ कर नहीं रही हूँ। मे बी इन अ लास्ट वीडियो आई एम गोना यूज फॉन्डेंट, बट अभी के लिए नहीं। देन वी हैव दिस वाला छोटा वाला, क्या बोलते हैं इसे, नोजल्स, या नोजल्स। और ये शेप के गाइस, इसमें बहुत सारे सिमिलर शेप्स है, बट मैं इसमें ज्यादातर शेप्स को यूजलेस ही मानती हूँ, क्योंकि मेरे को उनका यूज नहीं पता है कि इसे यूज कैसे करना है, एंड मैं ज्यादातर यूज भी नहीं करती। सो अभी मेरे को और नए नोजल्स मंगाने हैं जो मैं एक्चुअली यूज करूंगी, ठीक है। बट अगर मेरा कोई फेवरेट वन होगा तो ये गोल वाला है, क्योंकि मैंने ये सबसे ज्यादा यूज किया था। एंड देन वी हैव मेजरिंग कप्स, बाकी मैंने कहाँ रखे हैं, आई हैव नो क्लू एंड नो आइडिया। आई गेस वो मैंने अंदर रखे हैं। एंड सम शीट्स, एंड इसके साथ एक ब्लू वाली वो भी आई थी, ये हे भगवान, मेरे को शब्द क्यों नहीं मिल रहे हैं, चिड़िया, वो भी आई थी। एंड वो अभी हमने धो के रखी है। हेलो, हाँ तो गाइस दैट्स इट, हमारे पास ज्यादा कोई सामान नहीं है, हमारे पास यही छोटा मोटा सामान है। एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वेरी राइट, सब्सक्राइब करके जाइए गाइस, वो भी बोल रही सब्सक्राइब करके जाओ, है ना, वो भी बोल के गई आप लोगों को सब्सक्राइब करो भी। और जाके हम जाके अब करते हैं अपनी व्हिपिंग क्रीम को व्हिप, लेट्स गो। तो गाइस अगर आप सोच रहे हो मैं अपने किचन में काहे नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, बिकॉज हमारी रिंग लाइट खराब हो चुकी है, मेरी दूसरी वाली लाइट थी वो भी खराब हो चुकी है। नाउ वी हैव किचन लाइट, जो कि बहुत ज्यादा ही वीडियो के लिए अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट हम इधर ही बना लें। एंड गाइस ये फ्रेशली मतलब फ्रोजन व्हिप क्रीम है, मैं जनरली इसी ब्रांड की व्हिप क्रीम को यूज करती हूँ। एंड अभी बहुत गर्मी है, इसलिए बहुत जल्दी पिघल रही है, तो हम इसे करने वाले हैं कट। ऐसे पकड़ो, आप लोगों को दिख नहीं रहा है, इसे ऐसे पकड़ो, इस साइड से खोलते हैं, देखो पुश अप हेयर लिखा है ना, ये हो गया। यहाँ से फिर ऐसे फाड़ दो, ओके। तो हमने पूरा ही खोल दिया गाइस, जो कि मेरे को नहीं खोलना था, बट ओके। ये ना अभी थोड़ी सी पिघली हुई है, तो मैं जब भी व्हिपिंग क्रीम व्हिप करती हूँ ना, तो वो इतनी पिघली हुई तो नहीं होती है। सो वैसे भी गर्मियाँ भी चल रही है, बहुत गर्मी है गाइस। अभी हम अपनी व्हिप क्रीम निकालेंगे, मेरा फेवरेट पार्ट है व्हिपिंग क्रीम व्हिप करने का। नाउ वी हैव हेयर व्हिपिंग क्रीम गाइस, ये ऑलरेडी स्वीट है, मेरे हिसाब से स्वीट है, बहुत लोगों को स्वीट नहीं लगेगी। एंड ये दिख नहीं रहा है, बाउल देखो गाइस बहुत बड़ा है, इसके अंदर बहुत कम है, तो जितना स्पेस होगा इसके अंदर उतनी जल्दी हमारी व्हिपिंग क्रीम व्हिप होगी, क्योंकि उसे ज्यादा स्पेस मिलेगा। एंड इसे ऐसे पकड़ो,
पहले से ऐसे करो. Now let's just start, guys. हमारी व्हिपिंग क्रीम हो चुकी है व्हिप एंड इन टोटल अगर मैं बताऊं मुझे इसे व्हिप करने में कितना टाइम लगा है, सो 20 मिनट्स गाइस. मैंने इसके लिए एक टाइमर सेट किया था और उस टाइमर में करंटली इसका टाइमर हुआ है 17 सेकंड्स एंड 16 सॉरी 17 मिनट्स एंड 16 सेकंड्स जिसमें मैंने पॉज किया, लेकिन वो टाइमर मैंने स्टार्ट किया था 2 या फिर 3 मिनट बाद, इसलिए मैंने 20 मिनट्स बोला है. एंड इन टोटल अगर आप हाथ से इसे बीट करो तो 20 मिनट्स, एंड अगर आप इसे ब्लेंडर वगैरह से करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 5 मिनट लगेंगे, बट अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है सो ये 20 मिनट्स में हो जाएगा. एंड हमारे एकदम हार्ट पीक्स आ चुके हैं एंड लेट्स जस्ट टेस्ट इट आउट लाइक हाउ प्रोफेशनल्स डू राइट. अगर मेरे सर पे गिरा चुका है हमारा व्हिपिंग क्रीम रेडी. एंड आप भी बना सकते हैं गाइस, देखो अगर आप इसके नीचे एक आइस का बोल रखोगे ना तो ये और जल्दी होगा. एंड मैंने इस वीडियो में कोई भी फास्ट फॉरवर्डिंग या कुछ ऐसा नहीं किया है, सो ये सब नॉर्मल टाइम पे चल रहा था कि मेरा हाथ कितनी स्पीड से घूम रहा था ताकि इस सब में आपको हेल्प मिले. एंड आई होप सो कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो. एंड गाइस अगर मेरे को इसके अंदर कोई फ्लेवरिंग मिलानी होती है ना तो मैं इस टाइम पे मिला दूँ. जनरली इसमें फ्लेवरिंग तब मिलाते जब इसके अंदर सॉफ्ट पीक्स आने लग जाते हैं. अभी इसमें हार्ड पीक्स आ चुके हैं तो मैं तब मिला रही हूँ, क्योंकि मेरे को जनरली नहीं पता होता कि मैं आज कौन सा केक बनाने वाली हूँ. एंड अगर आपको इसे स्टोर करके रखना है तो या तो आप इसको कोई प्लेट रख दो, अगर आपके घर में प्लास्टिक रैप पड़ा है तो वो और बेटर है, तो इसे प्लास्टिक रैप से रैप करके फ्रिज में रखना, फ्रीजर में मत डालना ठीक है. एंड अगर मुझे कोई कलरिंग करनी है तो मैं अभी डालती हूँ, जैसे मेरे को कोई चॉकलेट गनाच वगैरह या फिर चॉकलेट कुछ फ्लेवरिंग डालनी है तो मैं इसमें अभी डाल दूंगी ठीक है. उसके बाद मुझे उस टाइम पर मिक्स कर दूंगी, जनरली मैं यही करती हूँ ठीक है. एंड आप भी ये कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है शुगर अपने हिसाब से डाल सकते हैं. अगर आपको शुगर डालनी है तो मैं इसके अंदर शुगर नहीं डालती हूँ, तो आई हैव नो आइडिया कि अगर शुगर डालने के बाद इसका टेक्सचर चेंज होगा तो. एंड फ्लेवर
अगर आप इसमें कर डालना जब इसका सॉफ्ट पीक आने लग जाए मे बी वो ज्यादा बेटर रिजल्ट देता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। एंड पूरी दुनिया को अभी बोलना है तो ये वीडियो यहीं खत्म होती है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो और अगर ये हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक ले बाय एंड ऐसे प्यार बरसाते रहिए गाइस।